you don't try it alone. Better be ready and party in the room. But my map is not going to be able to do that. यार तू कुछ अपने बारे में बता तो सही यार। ये चोरी है शरीफ भाई, आप शरीफ आदमी हो यार, बिला बजा में आप दुखी होगे यार। नहीं छोड़ो आप, मैं कोई और बात करूं। नहीं मुझे लगता है मैं ज्यादती कर रहा हूँ तेरे साथ, मैं पूरी दोस्ती निभा नहीं रहा तेरे साथ। ये बताओ कि मैंने तुम्हें माशाल्लाह हंसते हुए देखा है, लेकिन इस हंसी के पीछे कोई ना कोई तो गम है यार। मुझे कुछ बता अपने बारे में, तुझे क्या दुख है? तूने हमेशा अपनी माँ का जिक्र किया, बाप का जिक्र नहीं किया, तो तुम्हारा वालिद कौन है या कौन थे, कहाँ है या कहाँ थे? पुराने जख्म छेड़ दिए आपने, पुराने जख्म छेड़ दिए। मेरा बाप बहुत जालिम आदमी, बहुत जालिम आदमी। उसको जुआ खेलने को, उसको लड़की लाने को, उसको शराबे पीने को बहुत पैसा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ को पैसा देने को उसको कुछ भी नहीं था। ये मैं जितना भी पढ़े लाऊ ना, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरे बाप ने तो समझ लो कि उसका बस चलता हम लोग को बेच देता। जुआ, लड़की, शराब, इसमें पैसा सब खाली कर दिया उसने, पूरा खाली कर दिया, पूरा घर खाली कर दिया। नशे कर करके घर पे आके सो जाता, कभी मेरी माँ को मारता, कभी हम लोग को तंग करता। ये हम लोग को थोड़ी पता था कि नशा बसा का होता, हम लोग बच्चे लोग थे उस वक्त। दिन गुजरते गए, उसका जुआ, उसका शराब, लड़की, दोस्त यार, ये सब पड़ता गया। मेरी माँ अपनी बेटियों के लिए, ये यानी मेरी बहन लोग के लिए दहेज जमा कर रह ली थी जब वो लोग पैदा हुई थी तब से। मेरा बाबो बेच बेच के खाता गया, खाता गया, अपने जुए का शौक पूरा करता गया। घर बिकता गया, सामान बिकता गया। सारा जेवर बेच के खा गया, उसके कर्ज हो गया उसको। हम लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ा, अब लोग का वालिद था। दुनिया इधर का उधर हो जाए, हम लोग सब साथ रहते थे। हमारा वालिद ने हम लोग को भी घेर दिया, तोड़ दिया, पूरा घर तोड़ दिया। मेरी माँ ने मेरे को पाला है, हम लोग को पढ़ाया है, उसने नौकरियां की है। ये वो औरत नहीं होती तो हम लोग मर जाते। मेरी माँ बहुत अजीब औरत है। ये मेरी माँ नहीं होती, हम लोग को हमारा बाप बेच के खा जाता, मार देता। हम लोग को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मैंने रोज अपनी माता को जीते और मरते हुए देखा है। मेरा वालिद के ताना सुन के वो मर जाती थी और हम लोग को देख के जीती थी वो। मेरा बाप बहुत मारता था उसको, बहुत जालिम था। ये पढ़ने लिखने के दिनों में मैंने नौकरियां की, बहुत लोग करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा यार। दिल तो चाहता था कि दूसरे दोस्त लोग की तरह मैं भी कोई डॉक्टर मॉक्टर बनूं,
ये पायलट बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, कोई बिजनेस बिजनेस करूं। ये मैं सेठ बेट नहीं हूँ, सेठ नहीं। ये बहुत मेहनत से ये छोटा सा ठिया मैंने लगाया है, सिर्फ मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूँ। मेरे वालिद ने पैसे की लालच में आकर दूसरी औरत लोग से शादी कर ली। दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस औरत को, उसकी बच्चियों को, उसकी औलाद को मेरे वालिद के सर से महफूज रखे, क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी वालिदा को रोते हुए देखा है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये छोटी सी कहानी थी मेरी कि हम लोग अभी तक अपने वालिद का कर्जा उतारे ले हैं सच में, लेकिन हमारा वालिद भाग गया, हम लोग को पता ही नहीं है। उसके गुंडे लोग अभी भी आके हम लोग को धमकियां देते हैं, वो खुद भी। छोड़ो यार, मैं कुछ बोलूंगा लोग कहेंगे कि यार ये बहुत भेगरेला ऐसी कोई कहानी नहीं है। बहरहाल मेरे को एक दिन के लिए सही, एक दिन के लिए सही, मेरे को सारी मस्ती हल करके ना एक दिन मेरे को जो है ना सुकून से गली के अंदर ऐसे तेल लगाना है जैसे बादशाह होता है। एक दिन आएगा अपन का भी, फिर मैं देखूंगा। गुनाहगारों को अल्लाह ताला सजा जरूर देता है। मेरे वालिद ने मेरी वालदा के साथ बड़ा बुरा किया है, वो आज तक रो रही लिए, और मैं यहाँ पर उसी औरत को खुश देखने के लिए जिंदा हूँ। मैं उसको सुकून वाला जिंदगी दे दूँ ना, उसको अच्छा खेलता दे दूँ, फिर मैं चला जाऊँगा दुनिया से। मेरे को जीने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गुजारिश है आप लोग से कि अगर आप लोग इस किस्म के वालदेन बनो ना, तो मौत की तमन्ना करो तुम्हारी औलाद इससे पहले तुम लोग के साथ कुछ बुरा करे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी है, याद रखिएगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, आपकी बीवी आप लोग के साथ बाबादारी कर रही है ना, तो उसको सर पे बैठाओ, अल्लाह ताला से शुक्राने के नवाब अदा करो, उसके ऊपर जुर्म नहीं करो। कबर को भूल गए ले हो आप लोग, डरो अल्लाह ताला से इससे चक्कर में कि जब तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो ना, और कबर तुम लोग को उगल देवे, ना जमीन पर ना देवे, ना आसमान पर ना देवे, और जानवर तुम लोग की हड्डियां नोचे, तुम्हारे गोश्त को नोचे। औलाद पे बेगम पे जुल्म नहीं करो, घर वालों पे जुल्म नहीं करो, वालदेन पे जुल्म नहीं करो, बहन भाइयों पे जुल्म नहीं करो, दोस्त यार बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खून के रिश्ते कभी दोबारा नहीं मिलते, ये बात याद रखियो। अबे ऐसा बाप भी होते हैं? लोग होते हैं यार, क्यों नहीं होते, किसने बोला नहीं होते। ये आपने टीवी में देखा नहीं है कि एक बाप ने अपनी बेटी की इज्जत लूट ली हुई, क्यों दो जाना। हम लोग न्यूज में खबरें देख रहे ले होते हैं ना टीवी पे, तो जो ये हो कर सकता है तो ये भी हो सकता है। और ये हकीकत है, आप यकीन करो नहीं करो, आपने कहा बताओ, मैंने बता दिए लाए, अगर अपनी मर्जी आप यकीन करो नहीं करो। लेकिन शेर की एक दिन की जिंदगी ना गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है, ये बात याद रखना। और गीदड़ की जब मौत आती है ना, तो वो शेर की तरफ भागता है। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, अल्लाह तेरी परेशानी खत्म करे, मुझे जो हो सकेगा मैं तेरा साथ दूंगा। चलो आसू पूछ।